जेएनयू में बीती रात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग चल रही थी, तभी वहां पर पथराव का आरोप है। जेएनयू छात्र संघ के आरोपों के मुताबिक ये पथराव एबीवीपी की ओर से किया गया। इस दौरान कैंपस की बिजली सप्लाई भी रोक दी गई, साथ ही इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई। इससे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आधी रात को जेएनयू कैंपस अखाड़े में तब्दील हो गया। वहां इनकलाब जिंदाबाद किनारे लगने लगे। फिर रात 12 बजे के बाद जेएनयू के छात्रों ने वसंत कुंज थाने तक मार्च किया। पुलिस में शिकायत के बाद फिलहाल प्रदर्शन आधी रात को समाप्त कर दिया गया। उधर डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के बाद पथराव करने के आरोपों को एबीवीपी ने सिरे से खारिज कर दिया। पीएम मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार पहले से ही गंभीर है। एडवाइजरी जारी की गई है कि इस डॉक्यूमेंट्री को ना दिखाया जाए। बावजूद जेएनयू छात्र संघ ने स्क्रीनिंग का आयोजन किया था, प्रशासन ने भी इसकी इजाजत नहीं दी थी। जब डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर बवाल बढ़ा तो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने पुलिस से हस्तक्षेप करने की मांग की। एग्जैक्टली, हम ये बाकी मीडिया को बोलना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी ईंटें चली है, पत्थरबाजी एबीवीपी के तरफ से हुआ है और प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई भी अभी तक रेस्क्यू किसी भी तरीके से इवैक्यूएशन नहीं किया जा रहा है। ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, हम लोग ने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। कुछ पांच किसी ग्रुप में 10 मिनट बाकी था, लेकिन कुछ ग्रुप ने देख भी लिया था पूरा। तो व्हाट वी हैड टू डू वी हैव सक्सेसफुली डन। जेएनयू से पहले हैदराबाद विश्वविद्यालय में 21 जनवरी को ही पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने ऐलान किया कि वो देश के हर शैक्षणिक संस्थान में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाएगा। बीजेपी का आरोप है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। विदेश मंत्रालय ने भी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर से एतराज जताया है। केरल के कोच्चि और देश के कई हिस्सों में इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। बिहार के भागलपुर में कल पठान फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सिनेमा हॉल के परिसर में लगाए गए पोस्टर को फाड़कर एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पोस्टर में आग भी लगा दी। वहीं अयोध्या में भी फिल्म पठान का विरोध जारी है। अयोध्या तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने फिल्म का विरोध किया है और सनातन धर्म से जुड़े लोगों से अपील की है कि कोई भी ये फिल्म देखने न जाए। वहीं यूपी के बागपत में भी पठान फिल्म पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पठान फिल्म का विरोध किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल और सियासत दोनों जारी है। उनके बयान से राहुल गांधी ने किनारा किया और कहा कि सेना के काम पर सवाल करना ठीक नहीं है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने फिर से पलटवार किया और पूछा कि क्या वो अपने पहले के बयान भी वापस लेंगे। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। राहुल गांधी के बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि उन्होंने सेना से सबूत नहीं मांगे थे बल्कि मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के अभी तक सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी सवाल उठाए थे। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया एक बार फिर स्थगित कर दी गई। एमसीडी के सिविक सेंटर में वोटिंग शुरू होते ही भारी हंगामा शुरू हो गया। दोनों पार्टियों के सदस्यों ने नारेबाजी की, बैरिकेड्स पर चढ़ गया और एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। हंगामे की वजह से सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के पार्षद और नेता वहीं डटे रहे और चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने की मांग करते रहे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर चुनाव से भागने के आरोप लगाए तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भागती जनता पार्टी बता दिया। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। इस बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दावा किया है कि मेयर बीजेपी का ही होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों ने अब खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई ओवरसाइट कमेटी पर सवाल उठाए हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने ट्वीट करके इस बारे में आपत्ति जताई। तीनों पहलवानों ने एक ही मैसेज ट्वीट किया और लिखा कि हमें आश्वासन दिया गया था
कि ओवरसाइट कमेटी के गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा। दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। गौरतलब है कि पहलवानों की नाराजगी और धरने के बाद खेल मंत्रालय ने मेरी कॉम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसमें 5 सदस्य हैं। कमेटी की जाँच पूरी होने तक ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने से मना किया गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान जारी है। जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। वहीं केरल और तेलंगाना पर डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर हंगामा जारी है। हैदराबाद में एबीवीपी ने बैन डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर बवाल बढ़ गया है। लखनऊ में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, वहीं वाराणसी में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच बयान पर मौर्य ने यू टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि उन्हें रामचरितमानस पर नहीं बल्कि कुछ दोहों पर आपत्ति है। विवादों के बीच समाजवादी पार्टी नेता ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस पर बैन की मांग कर डाली। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पार्टी नेताओं के इन बयानों से किनारा कर लिया है।